गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 में वीडियो का पांचवा भाग देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है और सूर्य का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जैसा दिखाई देता वैसा ही क्यों होता है, उससे अलग क्यों नहीं होता। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, क्या आपने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को देखा है? क्या आपने सोचा है कि सूर्य तथा उसके आसपास आकाश रक्ताप यानी खून के कलर का रक्त जैसा प्रतीत क्यों होता है? आकाश में नीले रंग तथा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताप प्रतीत होने को समझने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करें। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसके पहले आप समझ चुके थे। इसके पहले आपने आकाश के नीले रंग के बारे में सीखा था, नीले रंग के बारे में आपने देखा था कि नीले रंग की तरंग लंबाई लाल रंग की अपेक्षा 1.5 गुनी कम होती है और ये छोटे छोटे कण ऊपर आकाश में नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण हमें केवल नीला रंग दिखाई देता है। इसलिए आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताप क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो, क्रियाकलाप छोड़िए, आप यहाँ सीधा सीधा आइए। सूर्य रक्ताप और रक्त रंजित इसलिए प्रतीत होता है कि देखिए, ये हमारी धरती है, क्या है, ये पृथ्वी है और मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, बराबर। देखिए, जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के होने से, यानी नीला प्रकाश प्रकीर्ण हो जाता है और सूर्य क्या होता है, लगभग लाल दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्य हमारे सिर के जस्ट ऊपर रहता है तो नीले प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है, जिससे सूर्य हमें रक्ताप दिखाई नहीं देता। इसीलिए सूर्योदय सूर्यास्त क्या होता है, क्षितिज पर होता है, यानी नीचे होता है, सूर्योदय नीचे होता है, सूर्यास्त भी नीचे होता है, वहाँ पर नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के अधिक होने से सूर्य जो है क्षितिज पर, यानी ये है, यहाँ सूर्य उदय हो रहा है, ऐसा सूर्य उदय हो रहा है, यहाँ पर नीले रंग का जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो अधिक होगा, इसलिए सूर्य क्या होगा, रक्ताप दिखाई देगा। लेकिन जब सूर्य क्या होता है, डायरेक्ट दोपहर के समय हमारे सिर पर होता है तो नीले रंग के प्रकाश का परावर्तन कम होता है। नीले रंग का प्रकाश का परावर्तन कम होने से हमें सूर्य किस तरीके का दिखाई देता है, लाल रंग कलर का नहीं दिखाई देगा। लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त समय नीले रंग का परावर्तन ज़्यादा होता है, इसीलिए सूर्योदय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप दिखाई देता है। यही कारण है क्यों रक्त, अगर आपसे कोई पूछे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताप क्यों दिखाई देता है, तो आप आंसर देंगे कि जब सूर्य क्षितिज पर होता है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
तो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य का रंग रक्ताप प्रतीत होता है। इसके जस्ट विपरीत जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर दोपहर के समय चमकता है तो सूर्य का रंग रक्ताप दिखाई नहीं देता। तो ये कारण थे और ये आपका चैप्टर आज स्टूडेंट समाप्त हुआ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है, कौन सा क्वेश्चन है देखिए, दसवां क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश में नीले रंग की अपेक्षा आकाश काला क्यों दिखाई देता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।